कानपुर की मेडिकल कोचिंग में बायोलॉजी टीचर साहिल सिद्दीकी के मामले में हिंदू संगठनों ने मंगलवार को जब लव जिहाद का आरोप लगाते हुए साहिल का पुतला फूंका तो सैकड़ों छात्र साहिल के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस मामले पर इस तरह के संगठनों को करारा तमाचा तब पड़ा जब छात्रा ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा कि साहिल सर ने उसके साथ कोई अश्लीलता नहीं की। उसने कहा, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, वो मुझे बाथरूम ले गए, उन्होंने गले लगाकर मुझे सहारा दिया। दरअसल रविवार को कोचिंग के बाथरूम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें साहिल सिद्दीकी छात्रा के साथ नजर आ रहे हैं। कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने यह सीसीटीवी पुलिस को देते हुए टीचर साहिल सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कोचिंग संचालक ने आरोप लगाए थे कि साहिल हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उसने छात्रा के साथ अश्लीलता की, वह कोचिंग में लव जिहाद कर रहा है। DCP सेंटर दिनेश त्रिपाठी ने बताया, साहिल का CCTV मिला था, वह छात्रा के साथ बाथरूम में 10 मिनट तक बंद रहा। आरोप था कि उसने छात्रा से अश्लीलता की। इन आरोपों के बाद काकादेव पुलिस ने FIR दर्ज की थी। आरोपी शिक्षक साहिल को जेल भेजा गया है, लेकिन छात्रा ने जो बयान दिए उससे केस बदल गया। छात्रा ने कहा कि उसे उल्टियां हो रही थी, उसने यह भी कहा कि उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई। मामले में कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने कहा था, रविवार को कोचिंग के ऑफिस में उनके नाम से बंद लिफाफा पड़ा मिला, उसमें एक पेन ड्राइव थी। जब पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखा गया तो उसमें एक CCTV मिला। इसमें साहिल बाथरूम में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो वह मेरे ऊपर ही भड़क गए, कहा आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे मेरे रुपए नहीं देना चाह रहे हैं। इसके बाद मैंने काकादेव पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा, साहिल 97 लाख सालाना पैकेज पर कोचिंग में पढ़ाते हैं, 2 साल में करीब 2.25 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसके बाद भी टीचर पर 10-20 लाख का स्थानीय लोगों का कर्ज है। आखिर इतना पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मामले में साहिल ने पुलिस को बताया था कि कोचिंग संचालक मुझे CCTV दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, अब उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि मैं कोचिंग में 97 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर पढ़ाता हूँ, लेकिन कोचिंग संचालक 30 लाख ही देना चाहता है। इस वजह से विवाद हुआ और मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं। इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों ने मंगलवार दोपहर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कोचिंग के बाहर साहिल का पुतला फूंका तो विवाद खड़ा हो गया। कोचिंग के सैकड़ों स्टूडेंट सड़क पर शिक्षक साहिल के पक्ष में उतर आए। काकादेव थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को संभाला। स्टूडेंट कोचिंग संचालक से मांग कर रहे हैं कि उनकी फीस वापसी की जाए या फिर साहिल से पढ़वाया जाए। इस मामले को लेकर कोचिंग संचालक फीस वापसी पर मुकर गए। टीचर से विवाद के चलते अब उनकी वापसी मुश्किल है। इधर स्टूडेंट फीस वापसी का दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने कोचिंग संचालक को 3 दिन में फैसला लेने का समय दिया है। छात्रा के बयान और साहिल के आरोप के बाद अब पुलिस कोचिंग संचालक से पूछताछ कर सकती है। पुलिस की जांच अब इस एंगल पर भी हो सकती है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।